ये रिश्ता क्या कहलाता है में करण मेहरा के बेटे का रोल प्ले कर चुके रोहन मेहरा करण की अरेस्ट से काफी शॉक्ड हैं और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी है करण की अरेस्ट के बारे में और उनके बिहेवियर के बारे में जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसलिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मोनिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की हर अपडेट आपको सबसे पहले जरूर मिले। तो चलिए बात करते हैं करण मेहरा के बारे में, जिनकी बीवी ने उन पर मारपीट का इल्जाम लगाया, वो अरेस्ट हो गए और अब बेल पे वो बाहर भी आ चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने काफी सारी शॉकिंग बातें बताई हैं अपनी बीवी निशा रावल के बारे में। और इसी सारे वाक्य पे रिएक्ट करते हुए उनके को स्टार रोहन मेहरा ने कहा है कि वो करण को 5 साल से जानते हैं और उन्होंने कभी करण को किसी के साथ ऊंची आवाज में बात करते भी नहीं देखा। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों बिग बॉस 10 में भी एक साथ आए थे और रोहन ने इसी का रेफरेंस देते हुए कहा कि बिग बॉस में सब अपना आपा कभी ना कभी खो देते हैं, लेकिन करण ने हमेशा अपना काम मेंटेन करके रखा है, तो ये सब उनके लिए काफी शॉकिंग है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस पूरे वाक्य पे आपका क्या कहना है और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई।